चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, नून लीग वाले कहते हैं, सच्चे नवाज का सच्चा मंशूर है। हमने 3 बार नवाज का दौर देखा, हमें पता है वो कितना सच्चा है, कहते हैं एटम बम नवाज शरीफ ने बनाया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी अपना बना लेते हैं, इन्होंने सी पैक का सारा पैसा ऑरेंज लाइन ट्रेन पर जाया कर दिया। पेशावर में जलसे से खिताब में मजीद कहा, मुखालिफिन की बहन बेटियों को जेलों में डालना बेनजीर की सियासत नहीं, मैं इस जमात को बताना चाहता हूँ यही सब कुछ आपके साथ भी होगा, जो कहता था सबको जेल में डाल दूंगा वो बेचारा खुद जेल में फंसा है। आप मुझे बताएं, आपने 3 दफा ये नवाज देखा है, ये कितना सच्चा नवाज है? सीपैक का मंसूबा पसमांदा इलाके से गुजरते हुए, पख्तूनख्वा से गुजरते हुए बलोचिस्तान तक पहुंचना है। इन्होंने किया क्या कि इसका पूरा रुख तब्दील कर दिया, पसमांदा इलाकों के बजाय, दहशतगर्दी से मुतासिर इलाके के बजाय इन्होंने लाहौर से गुजार दिया, सीपैक का पैसा ऑरेंज ट्रेन पे जाया कर दिया। बाकी सियासी जमातें जो हैं उनको मैं कहना चाह रहा हूं कि जो भी आप आज करवा रहे हो कल यही आपके साथ होगा। खान साहब को भी समझाते रहे कि ऐसे ना करो, वो कहता था कि मैं सबको जेल में डाल दूंगा, बेचारा खुद जेल में अब फंसा हुआ। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया, महंगाई में कमी, 1 करोड़ नौकरियां और रैप का खात्मा मंशूर में शामिल, बिजली के बिलों में 20% रिलीफ मिलेगा, पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा, आर्टिकल 62 और 63 को अपनी असल हालत में बहाल किया जाएगा, आईनी कानूनी अदालती और इंतजामी असलाहत की मनसूबाबंदी होगी, बरवक्त और मौसर अदालती निज़ाम नाफिज करने का प्लान, बड़े और मुश्किल मुकदमात का फैसला 1 साल में, छोटे मुकदमात का फैसला 2 माह में सुनाए जाने पर काम होगा। पाकिस्तान को नवाज दो, आम इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून का मंशूर पेश, महंगाई में कमी, नैब का खात्मा, अदालती असलाहत और 1 करोड़ नौकरियों के बड़े बड़े वादे मंशूर में शामिल। मंशूर के मुताबिक नौजवानों के लिए जदीद तालीमी इदारे, रोजगार के मौके, आसान इकसाद पर कर्जों की फरहमी यकीनी बनाई जाएगी, खवातीन को माशी तौर पर खुद मुख्तार बनाने के लिए खसूसी इकदाम किए जाएंगे। मंशूर के चीदा चीदा नुकात में ज़रात की जिद्दत के जरिए किसान की खुशहाली शामिल है, छोटे किसानों के लिए सूद से पाक कर्जों की फरहमी, फसल के नुकसान में कमी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शामिल है, नैब का खात्मा और पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाना भी मंशूर का हिस्सा है, हर वक्त और मौसर अदालती निज़ाम का निफाज किया जाएगा, यकीनी बनाया जाएगा कि बड़े मुकदमात का फैसला 1 साल के अंदर जबकि छोटे मुकदमात का फैसला 2 माह में सुनाया जाए, महंगाई में माली साल 2025 तक 10% तक कमी करने का प्रोग्राम भी मंशूर में शामिल है, 5 साल में गुर्बत 25% कम करने का हदफ भी मंशूर का हिस्सा है, 5 साल में 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां दी जाएंगी, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए नए शहर समेत अहम मराद भी मंशूर में शामिल की गई हैं, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क्स का क्याम भी मंशूर में शामिल है। नून लीग ने मंशूर में मईशत की बहाली, सोलर बिजली की फराहमी, सस्ती बिजली और गैस फराहम करने का ऐलान किया है, खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी के जरिए तनाजात का हल और अमन व दोस्ती माशी तरक्की समेत हमसाया ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करना भी मंशूर का हिस्सा है। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का कहना है, अगर हमें बगैर मुदाखलत काम करने दिया जाता तो मुल्क की शक्ल कुछ और होती। उन्होंने मजीद कहा, आरटीएस कैसे बंद हुआ इस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर वो बंद ना होता तो हमारी हुकूमत होती। ये सब बैठे हुए थे लंदन में, मैंने कहा शहबाज साहब गवर्नमेंट ना लो, और अगर ले लिए तो खत छोड़ दो, बैठे हैं सब, लेकिन ऐसे हालात पैदा हो गए, उनसे अल्टीमेटम दे दिया। मैंने कहा भाई अल्टीमेटमों के सामने तो हम सर नहीं झुकाते, मैं तो नहीं झुकाऊंगा ना, आपने झुकाना है। शहबाज साहब की तकरीर तैयार थी, रात को इन्होंने स्टेप डाउन करना था और बिल्कुल तैयार
चार घंटे रह गए थे, अल्टीमेटम आ गया, मैंने खुद कहा इनको अब नहीं छोड़ना आपने। वज़ीर आज़म आप आ जाएं हमारे पास, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आंखों में आंसू रो रही है। छोटी बच्ची थी, कुमेखल 8-9 साल की होगी, तो उसको देख के वो रो रही थी, तो हमें देख के रोना आ रहा था। और उसके बाद इमरान खान का स्टेटमेंट आता कि मैं मुझे ये सब ब्लैकमेलिंग है, मैं किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊँगा, 150 बंदा शहीद हो गया है, उनकी बच्चियां क्या आपको ब्लैकमेल कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने अपनी जमात के मंशूर पेश करने की तकरीब के मौके पर मीडिया से बातचीत की तो माजी के बहुत से राजों से पर्दा उठा दिया। क्या वास्ता तारिक कादरी साहब का पाकिस्तान के साथ, वो कौन है पाकिस्तान की सियासत के, उनके साथ आप गठजोड़ कर रहे हैं, और भी अफराद और अनासर बीच में मिले हुए थे। नवाज शरीफ ने इस मौके पर अपनी एक गलती का एतराफ भी किया। ऐसे ही इन्होंने रौला डाला हुआ है, बेकार का लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, और चंद लोग हमारे बेवकूफ़ भी बन जाते हैं आसानी के साथ। हमने तो मौलाना फजल रहमान के साथ कहा मिलके कि हम नहीं भाई हम नहीं बनाते, मेरा ख्याल है कि वो शायद मुमकिन है, मुझे आज लगता है कि जैसे वो हमने गलत फैसला किया था, आने ही नहीं देना चाहिए था। नवाज शरीफ का मजीद ये भी कहना था कि अगर हमें बगैर मुदाखलत काम करने दिया जाता तो मुल्क की शक्ल कुछ और होती। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। और सदर नून लीग शहबाज शरीफ कहते हैं 8 फरवरी को हेर फेर को नहीं सिर्फ शेर को वोट देना है, 8 फरवरी को शेर पर ठप्पा लगाकर पाकिस्तान को नवाज दो। रावलपिंडी में जलसे से खिताब में मजीद कहा, कल एक सियासी लीडर ने कहा वो नवाज शरीफ से मुनाजरा करना चाहता है, मैंने उस लीडर को कहा अपने सूबे में बुलाओ, मुनाजरा भी होगा और मुवाजना भी, उसको कहता हूँ नवाज शरीफ को अपने सूबे में दावत तो दो। मेरे मेहरबान ने कहा कि मैं नवाज शरीफ से मुनाजरा करना चाहता हूँ, मैं उसको कहना चाहता हूँ कि आप नवाज शरीफ को दावत दें कि वो सूबा की आपके सूबा का मुआयना करे, वहाँ पर मुनाजरा भी होगा, वहाँ पर मुवाजना भी होगा। किसी को शेर से शिकायत है कि वो शेर शिकार नहीं कर रहा, 8 फरवरी आने वाली है, पता चल जाएगा, लग पता जाएगा कि शेर धाड़े मारेगा इंशाल्लाह। पिछले 7 साल मेट्रो बनने के बाद जो हुकूमत आई उसने क्या किया इस रावलपिंडी शहर के लिए, मासवाय गाली गलोच और उसके अलावा कुछ नहीं दिया। मुस्लिम लीग नून का एबटाबाद में सियासी पावर शो, चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने अपने खिताब से हाजरीन का लहू गरमाया, कहा मंशूर वो नहीं होता कि वेबसाइट पर जारी करो और कौम से सच्चे झूठे वादे करो, नवाज शरीफ ने कौम से किया हर वादा पूरा करके दिखाया। उन्होंने मजीद का कहा, आइए जानते हैं। मंशूर वो नहीं होता कि वेबसाइट पे जारी कर दो या कागज का टुकड़ा पलंदा उठा के कौम के सामने रख दो, झूठे सच्चे वादे कर दो। हमने बहुत मेहनत से और क्रेजी से ये मंशूर बनाया है जिसमें आपकी हर तकलीफ का हमें एहसास है। नवाज शरीफ को मंशूर बताने की जरूरत नहीं, दूसरे सूबों से आकर पंजाब में जब जलसा करते तो सोचते कौन सी ऐसी जगह जलसा करें जहां नवाज शरीफ का मंसूबा ना हो। सिर्फ घड़ी नहीं चोरी की, खाना काबा वाली घड़ी को बेचा और उसके पैसे आराम से जेब में डाल के चलता बना। दूसरों के बच्चों के हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स पकड़ाकर, दूसरों के बच्चों के हाथ में कीलों वाले डंडे पकड़ाकर आज वो उनसे रियासत पे हमले कराए। आज देखो कि उनके बच्चे आराम से लंदन में बैठे और लोगों के बच्चे इस वक्त जेलों के पीछे रोल रहे हैं। ईरान में पाकिस्तानी सफीर मुदस्सर टीपू का समाजी रबते की वेबसाइट पर पैगाम, कहा ईरान के सूबे सरावान में 9 पाकिस्तानियों के हौलनाक कत्ल पर गहरा सदमा है।
पाकिस्तानी सफारतखाना सोगवार खानदानों की मुकम्मल मदद करेगा। जाहिदान में पाकिस्तानी काउंसिल जर्नल ने चाबकुआ और अस्पताल का दौरा कर चुके हैं। हम खबर आपको दे रहे हैं कि ईरान में पाकिस्तानी सफीर मुदासर टीपू का समाजी रबते की वेबसाइट पर पैगाम, कहा कि ईरान के सूबे सरावान में 9 पाकिस्तानियों के हौलनाक कत्ल पर गहरा सदमा है। खालिद महमूद से इस हवाले से तफसीलात लेंगे। जी खालिद महमूद, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए जी, ये बड़ा एक अफसोसनाक वाकया था कि जिसमें जो है वो एक तो पहले ईरानी फोर्सेज ने जो है पाकिस्तान पर अटैक किया और यहाँ पे उन्होंने दावा किया कि उन्होंने दहशत गर्दों को यहाँ पे हलाक किया है, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और पाकिस्तान ने जो ईरान में मौजूद दहशत गर्द थे उनको टारगेट किया गया और वहाँ पे जो दहशत गर्द मौजूद थे उनको टारगेट किया और इनकी हलाकतें जो है वो भी सामने आई। इसके अलावा जो पाकिस्तानी नेशनल है उनके हवाले से बात की जा रही है कि ये पाकिस्तानी नेशनल थे और जो जख्मी हुए उस हवाले से भी आज जो हमारे एम्बेसडर जिन्होंने कल चार संभाला था उन्होंने अस्पताल का दौरा भी किया और वहाँ से लोगों से मुलाकातें भी की हैं, लिहाजा इस वाक्य को भी उन्होंने अफसोसनाक करार दिया है जिसमें कहा गया कि 9 पाकिस्तानी जो है इसमें शामिल थे। जी खालिद महमूद, बताइएगा, आपने जिक्र किया कि कुछ जख्मी भी हुए हैं, उनकी तादाद क्या बताई जा रही है और ईरानी हुकाम इस हवाले से क्या बताते हैं? जी देखें जी, अभी तक तो तफसीलात जो है वो सामने आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि 9 पाकिस्तानी अभी शामिल हैं, लेकिन क्योंकि ईरान में जो अभी इब्तदाई मालूमात हैं उसी के मुताबिक जो है वो इस वाकये में जो लोग हैं उनकी तफसीलात जो है वो सामने आना शुरू हुई हैं और दफ्तर खारजा ने भी इस बारे में आगाह किया है और कुछ ही देर बाद दफ्तर खारजा की जानब से एक तफसीली इस हवाले से जो है वो जारी की जाएगी, रिपोर्ट जारी की जाएगी जिसमें तमाम तफसीलात का अहाता किया जाएगा और उसकी तफसीलात भी मीडिया से शेयर की जाएंगी। मुस्लिम लीग नून की मरकजी क्यादत की सियासी सरगर्मियां जारी। रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज रैली के हमरा एनए 118 दिल्ली गेट पहुंच गए। हमजा शहबाज के दिल्ली गेट आमद पर घोड़ों का रक्स भी पेश किया गया। मकामी क्यादत की जानिब से हमजा शहबाज के पहुंचने पर फूलों की पत्तियां निशावर की गई। लीगी कारकुनों ने हमजा शहबाज की गाड़ी पर नोटों की बारिश कर दी। अपडेट करें, मुस्लिम लीग नून की मरकजी क्यादत की सियासी सरगर्मियां जारी हैं और रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज रैली के हमरा एनए 118 दिल्ली गेट पहुंच गई। भाई को वजीर आजम बनवाने के लिए बहन सरगर्म। आसिफा भुट्टो का कराची के इलाके यूनस आबाद में खिताब, कहा आप तीर पर मोहर लगाकर बिलावल को वजीर आजम बनाए, वादा करते हैं मजदूर की आवाज बनेंगे, गुर्बत का खात्मा करेंगे, गरीबों के लिए 30 लाख घर और 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। भाई को वजीर आजम बनवाने के लिए बहन सरगर्म। आसिफा भुट्टो का कराची के इलाके यूनस आबाद में खिताब जिसमें उन्होंने कहा आप तीर पर मोहर लगाकर बिलावल को वजीर आजम बनाए। उन्होंने कहा कि वादा करते हैं मजदूर की आवाज बनेंगे, गुर्बत का खात्मा करेंगे, गरीबों के लिए 30 लाख घर और 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। आसिफा भुट्टो की जानिब से यूनस आबाद में खिताब किया गया है और उन्होंने कहा कि आप तीर पर मोहर लगाकर बिलावल को वजीर आजम बनाएं। बानी पीचाई ने मुल्क की मईशत को तबाह किया। कंदकोड में मौलाना फजल रहमान का खिताब, कहा जिस तरह मईशत गुज़िश्ता 5 साल में तबाह हुई इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। वोट चोरी और धांधली करके साबिका हुकूमत को लाया गया था जिन्होंने मुल्की मईशत को तबाह किया। अमेरिका की इनको सपोर्ट हासिल थी। अमेरिका इसराइल को इंसानी हकूक की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। बानी पीचाई ने मुल्की मईशत को तबाह किया। कंदकोड में मौलाना फजल रहमान की जानिब से जलसा आम से खिताब किया गया और कहा गया कि जिस तरह मईशत गुज़िश्ता 5 साल में तबाह हुई इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं वसाइल की कमी नहीं, मेरे घर में जितनी जगह है उतने ही मेहमान बुलाता हूं। पाकिस्तान का मुआशी मसला अखराजात ज्यादा और कम आमदन है। कहा तमाम सियासी जमातों और एस्टेब्लिशमेंट को एक साथ बिठाएंगे। 8 फरवरी के बाद हम करना चाहते हैं वो ये तरजीहात तो मुख्तलिफ है कि मैं अपनी कौम के सामने अपने आप को नमूने के तौर पर पेश करना चाहता हूं और VIP कल्चर का खात्मा चाहता हूं। 125 किलोमीटर पर मुहित है खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर का घर और उसी तरफ बाकी 104 किनाल पर मुश्तमिल है आपके एक एक कमिश्नर जहां पर रहता है। अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मंसूर में यही है कि हम तमाम गैर तरक्याती अखराजात खत्म करके पैसा बचाकर तालीम पर लगाएंगे और लोगों की सेहत पर लगाएंगे। मान न मान मैं तेरा मेहमान, बानी पीटीआई का साइफर केस में सरकारी वकला पर तंज,
जज ने रिमार्क्स दिए, मेरे लिए आसान था, मैं डिफेंस का हक खत्म कर देता। शाह महमूद कुरैशी बोले, ये सरकारी ड्रामा नहीं चलेगा, इस तरह से ट्रायल की क्या वैल्यू रह जाएगी। जज ने कहा, 3 मरतबा तारीख दी मगर आपके वकला ने आने की जहमत नहीं की। पंजाब में नमूनिया के केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा, एक दिन में मजीद 942 बच्चों में नमूनिया की तशखीस। रवा माह में पंजाब में 13,661 बच्चों को नमूनिया हुआ, जिनमें से 240 बच्चे जाँ बहक हो गए। वालिदैन बच्चों को सर्दी से बचाएं और हिफाजती टीकों का कोर्स लाजमी करवाएं। महकमा सेहत की जानिब से ये एडवाइजरी जारी की गई है। पंजाब में नमूनिया के केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है, एक दिन में मजीद 942 बच्चों में नमूनिया की तशखीस हुई। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। रवा माह में पंजाब में 13,661 बच्चों को नमूनिया हुआ, जिनमें से 240 बच्चे जाँ बहक हो गए। आपको ये बता दें, वालिदैन बच्चों को सर्दी से बचाएं और हिफाजती टीकों का कोर्स लाजमी करवाएं, महकमा सेहत की हिदायत। गुलकार राहत फ़तेह अली खान का जाती मुलाजिम पर बदतरीन तशद्दुद, वीडियो भी मंजरे आम पर आ गई। गुलकार राहत फ़तेह अली खान ने घरेलू मुलाजिम पर जूतों और घोंसों की बारिश कर दी, मुलाजिम जान बख्शी के लिए वास्ते देता रहा। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे नोमान शेख, हमारे साथ हैं जी। नोमान, इस हवाले से बताएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, मौसीकी की जुबान में बात करने वाले गुलकार राहत फतेह अली खान का ये एक नया रूप सामने आया। एक फुटेज जो है वो मंजर आम पर आई, जिसमें देखा जा सकता है कि राहत फतेह अली खान अपने मुलाजिम पर जो है वो तशद्दुद कर रहे हैं। उसके अलावा उनके अल्फाज सुने जा सकते हैं कि मेरी बोतल का है। घरेलू मुलाजिम पर पहले उन्होंने जूतों से तशद्दुद किया, उसके बाद इस पर घूसों की बारिश कर दी। मुलाजिम जो है वो जान बख्शी के वास्ते देता रहा अपने लिए। दीगर जो मुलाजिमन वहां पर खड़े थे, उनमें से किसी की जरूरत नहीं हुई कि वो आगे बढ़कर राहत फतेह अली को रोके। लेकिन इसके अलावा जो बाद में जब इन्होंने ज्यादा तशद्दुद किया तो मुलाजमीन ने इन्हें आगे पकड़ा, तो इन्होंने उन पर भी तशद्दुद किया। इनके घरेलू मुलाजमीन जो है उनसे जब रब्ता किया गया तो इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, लेकिन उनका ये जरूर कहना था कि ये राहत फतेह अली खान जो है अक्सर ऐसा करते हैं कि वो जो है वो ममनू अशिया जो है उनका मुबैना तौर पर इस्तेमाल करने के बाद आपस से बाहर हो जाते हैं और मुलाजमों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, बाहर हो जाते हैं। नोमान शेख, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। साथ ही न्यूज स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही, बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk।